चैप्टर थ्री रैंक ऑफ मैट्रिक्स अव्यूहों की जाति हम देखते हैं। ये ओल्ड बुक में चैप्टर थ्री है, यूनिट वन है। ये न्यू बुक में देखेंगे तो उसमें चैप्टर वन हट गया है, इसलिए ये चैप्टर टू होगा न्यू बुक में। न्यू बुक के हिसाब से ये चैप्टर टू होगा ये। ओके, 3.1 डेफिनेशन। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स पंक्ति एवं स्तंभ अव्यूह क्या होता है देखते हैं। रो मैट्रिक्स डेफिनेशन, इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, देन इट इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स, तब यह रो मैट्रिक्स कहलाता है हिंदी में, या फिर रो वेक्टर्स कह सकते हैं। यदि किसी अव्यूह का केवल एक ही पंक्ति हो तो ऐसे पंक्ति अव्यूह या फिर पंक्ति सदिश कहलाता है। ठीक है, यदि कोई भी मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम पंक्ति मैट्रिक्स या पंक्ति सदिश कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है A1, A2, A3, डैश 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 AN तक, सिर्फ इसमें कितने पंक्ति हैं, एक ही पंक्ति है, इसको कैसे लिखेंगे, 1/n। तो ये मैट्रिक्स जो है ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा, या तो फिर पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगा, पंक्ति अव्यूह कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 4, 7, 0, 9, सिर्फ एक ही पंक्ति है तो ऐसे मैट्रिक्स जो है पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएंगे, ये 1/4 का है ये। ऐसे ही कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें, बट पंक्ति क्या होना चाहिए, रो क्या होना चाहिए, ओनली वन ही होना चाहिए। 2, 7, 3, 2, 9, 5, ये 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/6 का मैट्रिक्स है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, देन इट इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स आर कॉलम वेक्टर। यदि किसी अव्यूह का केवल एक ही स्तंभ हो तो स्तंभ अव्यूह या स्तंभ सदिश कहलाता है, स्तंभ सदिश कहलाता है। इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, देन इट इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स आर कॉलम वेक्टर्स। किसी भी अव्यूह का सिर्फ एक ही स्तंभ हो तो ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे अव्यूह को कॉलम या स्तंभ अव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि ये कॉलम A1, A2, A3, A4, ये आगे भी हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, 4/1, 4/1 का ये एक मैट्रिक्स है। A1, A2, A3, डैश डैश डैश, ये हो सकता है AM तक के हो सकते हैं, आप जितना भी एलिमेंट लेना चाहो आप ले सकते हो, बट होना क्या चाहिए, सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं M/1, M/1 का एक मैट्रिक्स है। एग्जांपल और देखते हैं, 4, 7, 2, 9, जैसे कि सिर्फ इसमें, इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ये 4/1 का कॉलम मैट्रिक्स है। कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, चाहो तो इसमें 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं इस प्रकार से, तो इसको हम लिखेंगे 2/1, 3, 2, 0, 1, 4, ये है 5/1 का मैट्रिक्स है, इस प्रकार से इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अव्यूह के पंक्ति एवं स्तंभ सदिश रो एंड कॉलम वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A11, A12 अप टू A1n, A21, A22 अप टू A2n, इस प्रकार से अप टू ये चलता रहेगा, AM1, AM2, डैश 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 AMn, ये M/n का एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं रो वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, रो वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, रो वेक्टर क्या होगा, R1 हम देखते हैं, R1
ये आर वन है, इसको हम आर वन कहेंगे, इसको हम आर टू कहेंगे। आर वन में क्या आएंगे, ए वन वन, ए वन टू अप टू ए वन एन, ये आर वन होगा। आर टू क्या होगा, रो वेक्टर आर वन और रो वेक्टर आर टू, ये क्या होगा, ए टू वन, ए टू टू अप टू ए टू एन। आर थ्री, सॉरी आर एम ले लेंगे यहाँ पर, आर एम क्या होगा, ए एम वन, ए एम टू और अप टू कहाँ तक से जाएगा, ये ए एम एन है, ये ए एम एन, इस प्रकार से जाएगा आर वन आर टू आर थ्री। यदि हम कॉलम में देखते हैं, कॉलम वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होगा, कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है सी वन, सी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वन वन, ए टू वन, ए एम वन। सी टू क्या होगा, सेकेंड कॉलम क्या होगा, ए वन टू, ए टू टू, ए एम टू। थर्ड क्या होगा, थर्ड कॉलम क्या होगा, ए वन एम, ए टू एन और अप टू कहाँ तक से जाएगा, ये ए एम एन तक से जाएगा। इस प्रकार से हम ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर वन आर टू अप टू आर एम, ये लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी वन सी टू या फिर हम सी थ्री, इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉलम वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड रो वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ रो मैट्रिक्स डेफिनेशन, द सेट ऑफ आर वन आर टू आर थ्री अप टू आर एम ऑफ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन बाई एन इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इफ द रिलेशन ऑफ द फॉर्म, हिंदी में यदि वन बाई एन के पंक्ति अवयूहों आर वन आर टू आर थ्री अप टू आर एम का समुच्चय रैखिकतः स्वतंत्र समुच्चय कहलाता है, यदि निम्नांकित प्रारूप का संबंध, समझते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ रो मैट्रिक्स का। द सेट ऑफ आर वन आर टू आर थ्री, ये क्या है, रो है, रो वन रो टू रो थ्री भी हो सकता है, रो फोर भी हो सकता है, जितना भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो, इसलिए आर एम लिखा है। एम का वैल्यू वन भी हो सकता है, टू थ्री फोर अप टू आगे भी हो सकता है, ये लेना चाहो आप ले सकते हो जितना भी। ऑफ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन बाई एन, वन बाई एन ऑर्डर का होना चाहिए, वन बाई एन ऑर्डर दैट मीन्स जैसे कि कोई रो वन है, कोई मैट्रिक्स है फोर फाइव सिक्स टू ज़ीरो, कितने रो है इसमें, एक ही तो रो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये वन बाई फाइव हो जाएगा। फाइव क्या है एक्चुअल में, एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप फोर भी रख सकते हो, थ्री भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, सेवन भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, वन बाई एन ऑर्डर का होना चाहिए, रो वन ही होना चाहिए, एलिमेंट आगे भी हो सकता है। इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इफ द रिलेशन ऑफ द फॉर्म, यदि के वन के टू इस प्रकार से एग्जिस्ट करे, के एम, ये आर वन क्या है, ये रो है, ये रो मीन्स हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स का रो टू थ्री वन, ये हो सकता है, ये आर टू है, आर टू का वैल्यू हो सकता है फाइव ज़ीरो टू, ये हो सकता है, ये रो वन का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, रो टू का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, रो थ्री भी हो सकता है, रो फोर भी हो सकता है, रो सेवन भी हो सकता है, जितना भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, फिर ये सारे इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, किसके लिए सॉल्व करेंगे, के वन के टू के थ्री के फोर के लिए आप सॉल्व करेंगे, तो के वन का वैल्यू, के टू का वैल्यू, के थ्री का वैल्यू, के एम का वैल्यू, सभी का वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, दैट मीन्स के वन का भी वैल्यू जीरो आना चाहिए, के टू का भी वैल्यू जीरो आना चाहिए, के थ्री का भी वैल्यू जीरो आना चाहिए, के फोर का भी वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। आप जितना भी लिए रहेंगे
वो सभी का वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यदि जीरो आया, इसको आप सॉल्व कर रहे हो, के वन के टू अप टू के एम का वैल्यू यदि जीरो आ गया, तो हम कहेंगे लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ रो मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स दिया गया है वो लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंस है, ये हम कहेंगे, ये हमारा डेफिनेशन कहता है। यदि इफ के आई, यदि इनमें से के वन के टू एटलीस्ट कोई भी वन, इफ एटलीस्ट वन के आई, कोई सभी एक के वन हो चाहे के टू हो, कम से कम के वन हो चाहे के टू हो, यदि जीरो के इक्वल नहीं आया किसी का भी वैल्यू, सपोज दैट के वन का वैल्यू जीरो आ गया, के टू का वैल्यू जीरो आ गया, के थ्री का वैल्यू सपोज वन आ गया, यदि ऐसा आता है, या हो सकता है कि के टू का भी वैल्यू फोर आ गया, कम से कम के वन का वैल्यू जीरो यदि नहीं आया, तो हम कहेंगे इसको लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ रो मैट्रिक्स। यदि किसी भी के का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आया, तो हम लीनियरली डिपेंडेंस रो मैट्रिक्स कहेंगे। यदि सभी का वैल्यू जीरो आ गया, तो हम इसको कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंस कहेंगे इसको, लीनियरली इंडिपेंडेंस कहेंगे, शॉर्ट में हम एल आई भी लिख सकते हैं, और लीनियरली डिपेंडेंट को हम एल डी भी लिख सकते हैं। एल डी का जब कोई सभी एक जीरो के इक्वल ना आए, सारे जीरो आ जाए, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स डेफिनेशन, द सेट ऑफ सी वन सी टू, ये सी वन सी टू क्या चीज है, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम एन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई वन। इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम बाई वन, एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना भी आप ले सकते हो, बट कॉलम क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इफ द रिलेशन ऑफ द फॉर्म, यदि m बाई वन के स्तंभ आव्यूहों c1, c2, c3, c4, cn का समुच्चय रैखिकतः स्वतंत्र समुच्चय कहलाता है, यदि निम्नांकित प्रारूप का संबंध। कहने का मतलब ये है कि यदि k1 c1 प्लस k2 c2 प्लस डैश 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 प्लस kn cn इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो, यदि इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, किसके लिए, के वन के टू अप टू के एन के लिए, और यहां से हम के वन का वैल्यू फाइंड करें, के टू का वैल्यू फाइंड करें, के टू का वैल्यू फाइंड करें, के एन का वैल्यू फाइंड करें, तो सारे वैल्यूज क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए, तो अब हम कहेंगे लीनियरली क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सी वन क्या है, कॉलम है, जैसे कि C1 कोई भी एक कॉलम ले सकते हैं, 4, 2, 6, ये कॉलम कितने का भी हो सकता है, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, 6 by 1, इसमें एलिमेंट कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये 6 एक्चुअल में क्या है, m, m का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, आप जितना भी रखना चाहो एलिमेंट आप रख सकते हो। C1 का वैल्यू सपोज दैट यहाँ पर 2, 5, 6 है, प्लस ये K2 लिख दिए, C2 का वैल्यू 103 है, प्लस और कोई सभी ले सकते हैं, K3 ले सकते हैं, 2, 2, 7 और इज इक्वल टू क्या, ज़ीरो। यहाँ पर ज़ीरो को ध्यान देंगे, जिस ऑर्डर में रहेंगे 1, 2, 3, 3, 3 है एलिमेंट, तो आपको ज़ीरो को भी क्या लेना है, 3 ही लेना है, ये K1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, के वन है, इसका इनटू इधर कर देंगे, तो ये 2K1 आ जाएगा, ये 5K2K1 आ जाएगा, ये 6K1 आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा K2, 0 इंटू K2, 3 इंटू K2,
प्लस इसका इनटू इधर कर देंगे तो आ जाएगा 2k3 2k3 और ये 7k3 और इज इक्वल टू आ जाएगा ये 0 0 0 आ जाएगा ये इस प्रकार से। फिर से इसको जब हम सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे 2k1 प्लस k2 2k1 प्लस k2 प्लस क्या आ जाएगा 2k3 इज इक्वल टू क्या 0 5k1 प्लस 0k2 और प्लस 2k2 सॉरी 3 इज इक्वल टू क्या 0 6k1 प्लस 3k2 और प्लस 7k3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को आपको सॉल्व करना है। कैसे भी आप सॉल्व करो, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। यहाँ से यदि k1 का वैल्यू 0, k2 का वैल्यू 0, k3 का वैल्यू क्या आ गया 0, तीनों के तीनों 0 आ गए तो हम कहेंगे कि ये क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इसमें से कोई सा भी एक का वैल्यू यदि 0 नहीं आया, सपोज दैट k1 का वैल्यू 0, k2 का वैल्यू 0, k3 का वैल्यू 2 आ गया, तो इसको हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। लीनियरली क्या कहेंगे, डिपेंडेंट। रिमार्क में हम लिख लेते हैं एटलीस्ट वन के आई नॉट इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ये आप याद रखेंगे, सभी 0 आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, कोई सभी एक 0 नहीं आया तो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। ये डेफिनेशन है हमारे लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स के। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ R1 इज इक्वल टू 3 1 माइनस 4, R2 इज इक्वल टू 2 2 माइनस 3, R3 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 4, सो दैट प्रूफ करना है हमको, फर्स्ट द रो मैट्रिक्स R1 एंड R2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, R1 और R2 रैखिकतः स्वतंत्र है। सेकेंड, द रो मैट्रिक्स R1, R2 एंड R3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, R1, R2 और R3 रैखिकतः परतंत्र है, ये हमको प्रूफ करना है। फर्स्ट प्रूफ हम पहले करते हैं, द रो मैट्रिक्स R1 एंड R2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हम पहले प्रूफ करते हैं। R1 और R2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेट K1 एंड K2 आर टू स्केलर्स सच दैट K1 R1 प्लस K2 R2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। यहाँ पर टू रो तो हम R1 और R2 लेंगे और K1 और K2 को उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जैसा कि हम अभी आप लोगों को कुछ देर पहले डेफिनेशन ने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग। अब इस इक्वेशन को हम K1 और K2 के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। K1 और K2 का वैल्यू यदि 0 आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और K1 और K2 का वैल्यू 0 नहीं आया तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। यस, तो सॉल्व करते हैं हम K1, ये R1 है, R1 का वैल्यू गिवन है हमको 3 1 और -4, इसके प्लेस पर हम पुट कर लेंगे प्लस K2। R2 है, R2 का वैल्यू है 2 2 -3 और इज इक्वल टू क्या है ये 0 0। 3 है तो इधर 3 0 ले लेंगे इस प्रकार से। K1 का इनटू 3 से करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 K1, K1 का इनटू 1 से K1 -4 K1 और प्लस 2K2 2K2 -3K2 इज इक्वल टू 0 0 0। ऐड कर लेंगे 3K1 और 2K2, 3K1 प्लस आ जाएगा 2K2 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, K1 प्लस 2K2 और इज इक्वल टू क्या 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड, -4K1
और माइनस 3k2 इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थर्ड। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको k1 और k2 का वैल्यू फाइंड करना है। 2k2 है, ये भी 2k2 है। हम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। यहाँ से हम 2k2 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा 3k1। इस वैल्यूज को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, सेकेंड में पुट कर देंगे, k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू क्या, ज़ीरो। इसके प्लेस पर वैल्यू पुट कर देंगे, k1 प्लस क्या है इसके प्लेस पर, माइनस 3k1 इज इक्वल टू ज़ीरो। k1 माइनस 3k1 माइनस 2k1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो k1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, ज़ीरो। k1 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, थर्ड में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, थर्ड क्या है, माइनस 4k1 और माइनस 3k2 इज इक्वल टू ज़ीरो। माइनस 4 इंटू k1 का वैल्यू ज़ीरो, माइनस 3k2 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फाइनली k2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, ज़ीरो। k2 का भी वैल्यू ज़ीरो मिल गया, k1 का भी वैल्यू ज़ीरो मिल गया, तो फाइनली हम कह सकते हैं R1, हैंस R1 एंड R2 लीनियरली इंडिपेंडेंस। R1 और R2 लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंस है। R1 और R2 रैखिकतः स्वतंत्र हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं, द रो मैट्रिक्स R1, R2 एंड R3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। द रो मैट्रिक्स R1, R2 एंड R3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, R1, R2 एंड R3 रैखिकता परतंत्र है। लेट K1, K2 एंड K3 आर स्केलर्स सच दैट K1, K2, K3 को हमने मान लिया कि स्केलर है। इस प्रकार से K1 R1 प्लस K2 R2 प्लस K3 R3, यहाँ पर 3 रो है, इसलिए हम K1, K2, K3 लिखे हैं, इज इक्वल टू क्या, ज़ीरो। K1 ये R1 है, R1 का वैल्यू हमको गिवन है, 3, 1 माइनस 4 पुट कर देंगे, प्लस K2 है, ये R2 है, R2 के प्लेस पर 2, 2 माइनस 3, प्लस K3 R3 है, 0 माइनस 4 और 1 इज इक्वल टू 0। K1 का इंटू 3 से, तो ये आ जाएगा 3K1 फर्स्ट एलिमेंट, प्लस K2 का इंटू 2 से करेंगे तो 2K2, फिर K3 का इंटू 0 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 0K3, फिर सेकेंड एलिमेंट से इंटू करेंगे, K1 ही आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट से इंटू करेंगे 2K2 आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट से इंटू करेंगे माइनस 4K3, फिर थर्ड एलिमेंट से इंटू करेंगे माइनस 4K1 माइनस 3K2 और प्लस K3 इज इक्वल टू 0, 0, 0। इस प्रकार से अब इक्विलेट करेंगे, इसके इक्वल टू क्या, 0। 3K1 प्लस 2K2, ये तो 0 है, इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, इसकी इक्वल टू 0। K1 प्लस 2K2 माइनस 4K3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये है माइनस 4K1 माइनस 3K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर थर्ड।
इस प्रकार से हमको थ्री इक्वेशन मिल गया। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके K1, K2 और K3 का वैल्यू फाइंड करना है। यदि K1, K2 और K3 तीनों का वैल्यू 0, 0, 0 आ गया तो हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और यदि K1, K2, K3 में से किसी का भी वैल्यू 0 नहीं आया तो हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। चलिए हम यहाँ से K1, K2, K3 का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ K3 पार्ट नहीं है और 2 और 3 से हम K3 पार्ट को एलिमिनेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड क्या करें, इसका इनटू हम करते हैं 1 से कर देते हैं और इसका इनटू कर देते हैं हम -4 से। 1 से इनटू करेंगे तो वही आ जाएगा, K1 प्लस 2 K2 माइनस 4 K3 इज इक्वल टू 0। -4 से इसका इनटू करेंगे तो 16 K1 ये आ जाएगा, 12 K2 प्लस में रहेगा और ये आ जाएगा 4 K3 माइनस में इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। -16 और ये आ जाएगा -15 K1, ये आ जाएगा -10 K2, एलिमिनेट हो गया इज इक्वल टू 0। इन दोनों से चाहो तो आप कॉमन भी ले सकते हैं -5 को, तो क्या मिलेगा आपको 3K1 और प्लस 2K2 इज इक्वल टू क्या 0। -5 इधर चला जाएगा तो फाइनली 3K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 0, इक्वेशन नंबर 4। हमें मिला है -5 3K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू क्या मिला हमको 0। -5 0 में चला जाएगा तो 3K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0, 4 क्या है 3K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो क्या मिला हमको, कुछ नहीं मिला, सारे कैंसिल हो गया टर्म, तो हम क्या कह सकते हैं नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हमको यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। नहीं हम K1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नहीं K2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नहीं K3 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें, अब हम कैसे बताएं, हमारे पास K1, K2, K3 का वैल्यू आ ही नहीं रहा है, तो हम लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, इस बात को हम कैसे पता करें, तो देखते हैं। कैसे पता करें, ऐसे तो पता नहीं हो सकता, इसके लिए चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन ये है 3K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3K1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2K2, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो K1 इज इक्वल टू -2/3K2 मिल जाएगा। यहाँ से K1 का वैल्यू मिल जाएगा हमको, इक्वेशन नंबर ले लेते हैं इसको 4। फिर से इसी इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम 1, 3K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0, 2K2 इज इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे तो 3K1। देखिए यहाँ पर हम K1 का वैल्यू फाइंड किए थे, इधर हम K2 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो K2 इज इक्वल टू -3/2 और क्या मिल जाएगा हमको K1 मिल जाएगा। यहाँ से K1 का वैल्यू मिल गया, इधर K2 का वैल्यू मिल गया। K2 का वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दीजिए या थर्ड में पुट कर दीजिए, किसी में भी पुट कर सकते हैं आप, सेकेंड में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ K2 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 K1 प्लस 2K2
माइनस 4k3 इज इक्वल टू है 0। यही क्वेश्चन नंबर 2। k1 ज्यों त्यों रहेगा, 2 ज्यों त्यों रहेगा, ये k2 लिखा है। k2 का वैल्यू क्या है? माइनस 3/2 ऑफ k1 और माइनस 4k3 इज इक्वल टू क्या? 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k1 और माइनस 3k1 ये मिल जाएगा हमको माइनस 2k1 और माइनस 4k3 इज इक्वल टू क्या? 0। दोनों से हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस को भी हम क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। माइनस 2 को आउट ले लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको k1 प्लस 2k3 इज इक्वल टू 0। तो k1 प्लस 2k3 इज इक्वल टू 0। तो k1 का वैल्यू माइनस 2k3 मिल गया हमको। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 4 है और ये इक्वेशन नंबर 5। 4 में क्या आया है? k1 का वैल्यू माइनस 2/3 k2 और k1 का वैल्यू क्या है? माइनस 2k3। तो हम कह सकते हैं k1 का वैल्यू इज इक्वल टू क्या? माइनस 2/3 ऑफ k2 और इज इक्वल टू माइनस 2k3, नॉट इज इक्वल टू 0। यस, अब क्वेश्चन ये उठता है, यहाँ पर इस प्रकार से वैल्यू क्यों फाइंड किया? तो पहला आंसर है इसका, क्योंकि जब हम उस टाइप से सॉल्व कर रहे थे तो हमको कोई भी आंसर फाइंड नहीं हो रहा था, तो हमने इस प्रकार से सॉल्व किया। इस प्रकार से जो आंसर आया है, k1 का वैल्यू k2 के ऊपर डिपेंड करेगा, k2 का वैल्यू k3 के ऊपर डिपेंड करेगा। नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों लिखे हैं? नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों लिखे हैं? जैसे कि कोई भी 3 लाइन है, ये 3 लाइन एक दूसरे के ऊपर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब k1 का वैल्यू एक फिक्स वैल्यू मिलेगा आपको, k2 का वैल्यू आपको फिक्स मिलेगा, k3 का वैल्यू फिक्स मिलेगा। जैसे 2 है, 5 है और 0 है, तो आपको यही वैल्यू, यूनिक वैल्यू मिलेगा आपको, एक फिक्स वैल्यू मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पर आपको 0 मिले, यहाँ पर भी आपको 0 मिले, यहाँ पर भी 0 मिले, ऐसा भी मिल सकता है। एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा जब 3 लाइन एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। बट यहाँ पर जब हम पहले सॉल्व किए, 3 लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तभी हमको नो सॉल्यूशन मिला। हो सकता है कि वो 3 लाइन कुछ इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही हो अलग अलग पॉइंट पर, हो सकता है कि वो 3 लाइन इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही हो, इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही हो, इसलिए हमको सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हम इस प्रकार से सॉल्यूशन किए हैं और इस बात की गारंटी है, यदि k1 और k2 यदि हमको 0 मिल जाएगी, बट k3 हमको 0 नहीं मिलेगी, इसलिए हम क्या लिखे हैं? नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों दो वैल्यू 0 मिल सकती है, तीसरी वैल्यू 0 क्यों नहीं मिल सकती? हो सकती है कि एक ही वैल्यू 0 मिले, दो वैल्यू 0 ना मिले। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। यदि तीनों के तीनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी दो वैल्यू अलग हो सकती है, या दो वैल्यू 0 होगी तो तीसरी वैल्यू 0 नहीं होगी, इनमें से कोई ना कोई 0 नहीं होगी। इसलिए R1, R2 और R3 रैखिकता क्या होंगे? परतंत्र होंगे। R1, R2, R3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। हेंस R1, R2 एंड R3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। यही हमको प्रूफ करना था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियरली डिपेंडेंट एवं इंडिपेंडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। चेक करना है हमको कि ये जो क्वेश्चन है ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं कि इंडिपेंडेंट हैं। लेट α1 इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1, α2 इज इक्वल टू 2 1 3, α3 इज इक्वल टू माइनस 1 0 0, α4 इज इक्वल टू 1 0 1 एंड k
K1, K2, K3, K4 belongs to R, be such that K1 alpha 1 plus K2 alpha 2 plus K3 alpha 3 plus K4 alpha 4 is equal to 0. डिपेंडेंस एवं लीनियर डिपेंडेंस एवं इंडिपेंडेंस के डेफिनेशन हम जानते हैं और डेफिनेशन के थ्रू हम ये लिखे हैं इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे हम किसके लिए, के वन के टू के थ्री और के फोर के लिए सॉल्व करेंगे। यदि के वन के टू के थ्री के फोर सारे वैल्यू ज़ीरो आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है। यदि किसी भी एक का वैल्यू ज़ीरो नहीं आया तो हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। तो नाउ स्टूडेंट्स चेक करते हैं हम K1 alpha 1 का वैल्यू 1 0 -1, K2 alpha 2 का वैल्यू 2 1 3, K3 alpha 3 का वैल्यू -1 0 0 प्लस K4 alpha 4 का वैल्यू 1 0 1, ये हम पुट कर लिए और इज इक्वल्स टू क्या, 0। K1 आ जाएगा, 1 sin 2 करेंगे तो वही रहेगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो ये आ जाएगा 2K2, ये प्लस है तो प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा -K3 और ये आ जाएगा +K4। सेकेंड एलिमेंट लेंगे, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा K2 आ जाएगा, ये तो 0 है, ये भी 0 है, K2 ही रहेगा ये। फिर थर्ड एलिमेंट, ये आ जाएगा -K1, ये आ जाएगा +3K2, ये तो 0 है और ये आ जाएगा K4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0, इसके इक्वल टू 0 रहेगा, इसकी इक्वल टू 0 रख लेंगे और इसकी इक्वल टू 0 रख लेंगे, ये आ जाएगा K1 plus 2K2 minus K3 plus K4 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर इधर है K2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फिर है -K1 plus 3K2 और plus K4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब हमको इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, K1, K2, K3, K4 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, सॉरी कांस्टेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 कांस्टेंट हैं। इसका वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। कांस्टेंट वैल्यू आएगा, अभी ये वेरिएबल है, ध्यान देंगे यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 1, 2, 3, 4, इसका वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। नंबर ऑफ वेरिएबल लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए। ये आप याद रखेंगे, ट्रिक है, नंबर ऑफ वेरिएबल लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, ये होना चाहिए तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो वैल्यू आना ये पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, 4 3 से लेस नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर लेकर के आना भी पॉसिबल नहीं है। K1 का यूनिक सॉल्यूशन, K2 का यूनिक सॉल्यूशन, K4 का यूनिक सॉल्यूशन लेके आना पॉसिबल नहीं है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, K2 इज इक्वल टू 0 है, 3 इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू
ऑफ के टू इन इक्वेशन नंबर थर्ड, थर्ड में पुट कर देंगे तो क्या जाएगा ये माइनस के वन प्लस थ्री, के टू है इसके प्लेस पर हम जीरो पुट कर देंगे और प्लस के फोर इज इक्वल टू जीरो, तो हमें मिल जाएगा माइनस के वन और प्लस के फोर इज इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं के वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये के फोर आ जाएगा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर। नेक्स्ट क्या करें, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन पुटिंग द वैल्यू ऑफ के वन के टू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। क्या है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, के वन प्लस टू के टू माइनस के थ्री प्लस के फोर इज इक्वल टू जीरो। के वन का वैल्यू क्या है, के वन का वैल्यू अभी फाइंड किए हैं के फोर, टू के टू का वैल्यू क्या है जीरो है, और माइनस के थ्री प्लस के फोर एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू जीरो। के फोर क्या हो जाएगा ये टू के फोर, ये जीरो आ जाएगा और माइनस क्या के थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो टू के फोर इज इक्वल टू के थ्री को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा के थ्री, प्लस में आ जाएगा फोर और ये इक्वेशन नंबर फाइव। इक्वेशन नंबर फोर आ गया और इक्वेशन नंबर क्या आ गया ये फाइव। इसका वैल्यू हम के वन इज इक्वल टू के वन इज इक्वल टू के फोर, इसका वैल्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। टू के फोर इज इक्वल टू के थ्री नॉट इज इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। कुछ न कुछ इसका वैल्यू आएगा और कुछ न कुछ इसका वैल्यू आएगा, इस बात का मतलब ये है कि के वन के टू के थ्री के फोर ये क्या होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, जीरो इसका आंसर नहीं आ सकता। हमको के वन के टू के थ्री के फोर का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो के वन का वैल्यू और इधर अल्फा वन के साथ में हम मल्टीप्लाई करें, इधर भी के टू का वैल्यू पुट करें, फिर अल्फा टू के साथ में मल्टीप्लाई करें, इधर अल्फा थ्री के साथ में, इधर अल्फा फोर के साथ में, इस कंप्लीट इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए। ऐसे वैल्यू हमको ढूंढना है, के वन के टू के थ्री के फोर का वैल्यू लेके आना है। यदि ये सारे वैल्यू के वन के टू के थ्री का वैल्यू यदि जीरो आता है तो हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो चेक करते हैं, लेट के वन इज इक्वल टू वन, वन यदि हम पुट करते हैं तो के फोर इज इक्वल टू भी क्या जाएगा वन आ जाएगा। यहाँ से टू के फोर का वैल्यू वन पुट करेंगे तो टू इज इक्वल टू क्या जाएगा के थ्री, के थ्री का वैल्यू क्या जाएगा टू आ जाएगा। के फोर का वैल्यू तो वन हम फाइंड कर ही लिए हैं, अब चेक करते हैं हम के वन का वैल्यू क्या आया वन, वन इंटू वन करेंगे तो क्या जाएगा वन, प्लस के टू का वैल्यू तो जीरो है पहले से हम कर लिए हैं, जीरो इंटू टू करेंगे तो क्या जाएगा जीरो, प्लस के थ्री का वैल्यू क्या फाइंड किए हैं टू, टू इंटू माइनस वन करेंगे तो क्या जाएगा माइनस टू आ जाएगा। के फोर का वैल्यू क्या है वन, वन इंटू वन करेंगे तो क्या जाएगा वन आ जाएगा। अब चेक कीजिए वन प्लस वन क्या आ जाएगा ये टू और माइनस का टू क्या मिल जाएगा हमको जीरो। दैट मीन्स हमारा वैल्यू जो है यहाँ वन आया इधर जीरो माइनस टू वन, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वन और वन टू और ये माइनस टू, सॉल्व किए तो कितना आ गया जीरो। दैट मीन्स के वन का वैल्यू यदि वन पुट करें तो के टू का वैल्यू जीरो, के थ्री का वैल्यू टू आएगा और के फोर का वैल्यू क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। सारे वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है, के वन के टू के थ्री का वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है, वन वन आ रहा है और इधर टू आ रहा है, और यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और हमको जीरो मिल जा रहा है। इस बात का मतलब ये है कि के वन के टू के थ्री के फोर ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, कुछ न कुछ इसका वैल्यू आएगा, सभी के सभी जीरो नहीं होगा, इसलिए लीनियरली डिपेंडेंट होगा।